जब से भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, तभी से भारत में भी उनके हिंदू होने को लेकर खूब चर्चा हो रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रिटेन में 4 सबसे अमीर लोगों में 3 हिंदू हैं। संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2017 की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया था। सुनक ने भी ब्रिटेन का पीएम नियुक्त होने के बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपने पहले भाषण के दौरान जताया कि वो हिंदू होने पर गर्व की भावना रखते हैं और अपनी धार्मिक पहचान एक क्रिश्चियन बहुल देश में भी जाहिर करने से कतराते नहीं है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपने पहले भाषण के दौरान उन्होंने जब मौजूद लोगों का अभिवादन किया तो उनके हाथ में पवित्र लाल कलावा देखा गया। बता दें कि वित्त मंत्री बनने के बाद भी वो अपने आवास 11 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर दिवाली के दिए जलाते नजर आए थे। ब्रिटेन के चुनाव में हिंदू वोटर्स का महत्व काफी है। ब्रिटेन की संसद में कुल 650 सीटें हैं, यानी किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 326 सीटों की जरूरत होती है। इसमें इंग्लैंड में 533 सीटें हैं, स्कॉटलैंड में 59, वेल्स में 40 और नीदरलैंड में 18 सीटें हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिटेन में कुल 40 सीटें ऐसी हैं जहां सीधे तौर पर हिंदुओं का प्रभाव है, यानी भारतीय मूल के लोग इन 40 सीटों पर वोट कर किसी भी पार्टी की किस्मत बदलने का दम रखते हैं। वहीं साल 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों में इकट्ठे किए गए आंकड़ों के आधार पर इस बात का खुलासा हुआ है कि ब्रिटेन के अश्वेत और अल्पसंख्यक जाति समुदायों में भारतीयों को सबसे अच्छा भुगतान किया जाता है। इसके बाद ब्रिटेन के चीनी समुदाय के लोगों का इस नंबर आता है। ये रिपोर्ट रिजोल्यूशन फाउंडेशन की है।